हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव आशीष यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोग, फाइनली अपना वीकेंडी मैप लाइव हो चुका है गेम के अंदर। आप इसको बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं। तो हमारे कुछ अचीवमेंट्स है वीकेंडी मैप के अंदर जिसको हमको कंप्लीट करना था, तो वो भी यहाँ पे अब हमको कंप्लीट करने का मौका मिल चुका है। चूँकि एक महीने के बाद जो अपना ये वीकेंडी मैप फिर से चला जाएगा, तो आपके पास एक महीने का समय है आपको ये सारे अचीवमेंट्स कंप्लीट करने हैं जो भी वीकेंडी मैप के अंदर हमको अचीवमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक एक करके वीडियो बना के बताने वाला हूँ कि कौन कौन से अचीवमेंट हैं हमारे जो कि हमको वीकेंडी मैप के अंदर कंप्लीट करना है और हम इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और इन सारे अचीवमेंट को कंप्लीट करने में आपको बहुत सारे यहाँ पे अचीवमेंट पॉइंट मिल जाएंगे जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको यूनिक डेस्टिनी टाइटल लेने में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेफिटी आर्टिस्ट अचीवमेंट के बारे में, जिसको कि आप कंप्लीट करके यहाँ पे 10 अचीवमेंट पॉइंट और कुछ यहाँ पे जो है बेबी कॉइंस ले सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई लोग, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो है अचीवमेंट दिखा देता हूँ। तो हम चलते सीधा यहाँ पे मिशन वाले ऑप्शन में और यहाँ से हम आ जाएंगे अचीवमेंट्स में। अब लास्ट में आप जो जनरल वाला अचीवमेंट है इस पर क्लिक करके आ जाएंगे, तो नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रेफिटी आर्टिस्ट का ये अचीवमेंट। अब इसमें देखिए यहाँ पे टोटल 4 मैप के लिए अचीवमेंट दिया हुआ है कि आपको जो है 10-10 ग्रेफिटी यूज़ करना है सभी मैप में। तो यहाँ पे देखिए इरेंगल का मेरा कंप्लीट हो चुका है, चूँकि इरेंगल और मिरामार सेनॉक सब पहले से थे तो ये सब पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा 10-10-10। और ये बचा है अपना वीकेंडी का, सेम प्रोसेस रहेगा सभी में। मैं यहाँ पे आपको जो है वीकेंडी का करके दिखाने वाला हूँ लाइव यहाँ पे इस वीडियो में। और इसी तरह से आप जो है सारे सारे मैप में आप एक 4 मैच में आपको पूरा, अगर आपने इसको पहले से कंप्लीट किया है एक दो मैप में तो आपका फिर से वीकेंडी बचेगा या सैनॉक बचेगा जो भी, तो आप इसको इसी ट्रिक को यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए 10 अचीवमेंट पॉइंट मिलेगा और हमको जो है सिर्फ 10 ग्रेफिटी यूज़ करना है एक मैप में। 10 हम यूज़ कर लेंगे रेंगल में, 10 मिरामार में, 10 सैनॉग में और 10 विकंडी में। तो मैंने 3 यूज़ कर लिया है, अब ये विकंडी वाला बचा है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कट करके चले आना है। अब मैं आपको शुरू से यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ, जैसा कि हम यहाँ पे चले आएंगे अपने इन्वेंट्री में और इन्वेंट्री में आने के बाद यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है पेंट बॉक्स दिख जाएगा, इस पर सिंपल से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी आपकी ग्रेफिटी, ये मिलती है आपको जैसा कि आप क्रेड और ओपन करते हैं तो वहाँ पे ये ग्रेफिटी देखने के लिए मिल जाती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको सारी देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसको आपको यहाँ पे अटैच कर लेना है इस वाले कॉलम में, जैसे कि आप दिखा जैसे कि ये स्पीड वाला। तो आपके पास जो ज़्यादा ग्रेफिटी हो उसको आप यहाँ पर ऐड कर लेना है, चूँकि आपको 10-10 यूज़ करना है तो इस हिसाब से आपको जो है ज़्यादा ग्रेफिटी वाला यहाँ पे इसको मैं रख लेना, जैसे हम जो है इमोट रखते हैं उस हिसाब से। तो इसको आपको होल्ड करना है थोड़ा सा और उठा के यहाँ पर रख लेना है। तो ये अपना जो भी ज़्यादा आपके पास ग्रेफिटी है, 4 मिलते हैं आपको सेट करने के लिए, 4 आप यहाँ पे जो है एडजस्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास ज़्यादा हो। ये हो गया आपका पहला चीज़। इसके बाद आपको चले आना है यहाँ पे सेटिंग में और सेटिंग में आने के बाद आपको कंट्रोल्स में आ जाना है। कंट्रोल्स में आने के बाद आपको कस्टमाइज कंट्रोल पे क्लिक करके ये पेंट वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको आपको देख लेना है, कहीं साइड वाइड में होगा छोटा सा तो इसको आपको जो है बड़ा कर लेना है और उसके बाद अपने हिसाब से, और उसके बाद इसकी जो है ट्रांसपेरेंसी को फुल कर लेना है जिससे आपको जो है गेम के अंदर ये ऑप्शन देखने में दिक्कत न हो। तो ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद आपको चले आना है गेम के बाहर या इसको कट करना है और आ जाना है बाहर। अब चूँकि देखिए मेरा इरेंगल का हो चुका है, मेरा मार का हो चुका है, सैनॉक का हो चुका है, तो मेरा बचा है सिर्फ विकंडी का। तो मैं यहाँ पे आपको विकंडी का करके दिखाने वाला हूँ। सेम इसी तरह से आप जो है सभी का कर सकते हैं, इरेंगल भी, सैनॉक भी, मेरा मार भी। तो यहाँ हम चलेंगे सीधा मैप में और हम यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेंगे विकंडी मैप को और उसके बाद यहाँ पे आप इसको सोलो डुओ स्क्वाड किसी में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे चले आएंगे सोलो में और इसको ओके कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है मैच को स्टार्ट कर देना है। तो भाई लोग, यहाँ पे हम आ चुके हैं गेम के अंदर और उसके बाद आपको करना है, मैंने थोड़ी बहुत लूट कर ली है अपनी सेफ्टी के लिए। अब उसके बाद आपको करना है, आपको यहाँ पे जो अपना जो मैंने आपको कंट्रोल्स दिखाया था वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे पेंट वाला बॉक्स, इस पर सिंपल से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो सारे स्टिकर्स हैं वो दिख जाएंगे आपके और उसके बाद आप देखेंगे तो आपको एक ग्रीन मार्क दीवार पे दिख रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा दूर जाएंगे तो ये हट जाएगा, तो आपको दीवार के पास जाना है इस हिसाब से और उसके बाद आपको स्टिकर, जो भी स्टिकर आपको लगाना हो उस पर यहाँ पे सिंपल से क्लिक कर देना है। तो ये हो चुका है हमारा पहला, यहाँ पे स्टिकर हमने लगा दिया है। तो इसी तरह से आपको जो है टोटल 10 स्टिकर लगाने हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइमर के बाद फिर से आ गया, फिर से हम जो है इस पर एक स्टिकर और लगा देंगे इस तरह से। तो फिर आपको यहाँ पे कुछ टाइमर मिलेगा 4-5 सेकंड का, वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको टोटल 10 लगाने हैं, हमने 3 कंप्लीट कर लिया है। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ पे जो है टोटल 10 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज के मिलते हैं।
तो यहाँ पे हमने जो है 10 से ज़्यादा ही लगा दिए स्टिकर, और उसके बाद आपको करना है बस ये हो गया आपका अचीवमेंट यहाँ पे कंप्लीट। तो हम यहाँ पे नेट से यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, और उसके बाद मैं आपको लॉबी में चल के दिखाता हूँ हमारा अचीवमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है कि नहीं, क्योंकि मेरा एक ही मैप का बचा था, तो यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, और इसके बाद सीधा चले आते हैं अपने लॉबी में, इसको यस करके निकाल लेते हैं सबमिट, और यहाँ से हम सीधा चले आएंगे अपने लॉबी में। तो काउंट डाउन यस और लॉबी, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने लॉबी में, और यहाँ पे हम सीधे चलेंगे मिशन में, और यहाँ पे आ जाएंगे अचीवमेंट्स में। तो देखेंगे हमारा जो है अचीवमेंट कंप्लीट हो चुका है ग्रेफिटी आर्टिस्ट का। तो इसी तरह से आपको जो है चार मैच में, अगर आपने पहले से कोई सा कंप्लीट नहीं किया है किसी मैप में, तो आप चार मैच में चारों ये अचीवमेंट कंप्लीट कर लेंगे अपने मिशन को, और इसको बहुत ही आसानी से यहाँ पे जो है कलेक्ट कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।